बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह किचन में मैं हाजिर हूँ। आज मैं साबूदाना पापड़ बना रही हूँ। साबूदाना पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने साबूदाना 2 कटोरी साबुन लेके रात को मैंने इसे धो के पानी में रखी हूँ, भिगो के रखी हूँ। और उसके जितना साबूदाना है उसके मैं डबल पानी ली हूँ। अब इसे इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालूँगी। अब इसे मैं गैस पे पकने के लिए रखूंगी। गैस को मैंने हाई पे रखा हुआ है। जब तक इसको बॉईल नहीं आता है और साबुदाना ट्रांसपेरेंट नहीं दिखते तब तक हम इसे पकने के लिए रखेंगे और बीच बीच में हम चम्मच हिलाते रहेंगे। साबुदाना हमारा अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कुटा हुआ सौंफ और ज़ीरा। मैं आधे स्पीड चिली फ्लेक्स भी डालूंगी। अब इसे हम गैस ऑफ करते हैं और थोड़ा ठंडा होने के लिए रखते हैं, उसके बाद हम पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल प्लास्टिक डाली हूँ और ये साबुदाना के घोल को थोड़ा ठंडा होने के लिए रखी हूँ। और ये प्लास्टिक के ऊपर मैं पापड़ बनाऊँगी और थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं गैलरी में धूप में रखूँगी। साबुदाने का घोल थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम पापड़ बनाएंगे। चम्मच के मेजरमेंट से यहाँ पापड़ बनाऊंगी। आपके पास अगर कोई रिंग टाइप कोई राउंड चीज़ है तो वो डाल के भी एक जैसे पापड़ एक ही साइज़ के बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के ढक्कन को कट करके रखा हुआ है और इसमें मैं डाल के थोड़े बड़े बड़े पापड़ बनाऊंगी। इस तरह से सारे पापड़ बनाऊंगी। आधे पापड़ हो चुके हैं और आधा बाकी है, उसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स ताकि तीखा लगे। आप देख सकते हैं हमारे सारे पापड़ बनके तैयार है। अब इसे 10 मिनट के लिए मैं पंखे के नीचे ही रखूँगी, उसके बाद मैं गैलरी में धूप में सुखाऊंगी। पापड़ को मैंने गैलरी में धूप में डाली हूँ, अब सूख जाएंगे तो मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। साबुदाना पापड़ सूख के तैयार है। मैंने इसे पूरा दिन धूप में सुखाई हूँ। 2 कटोरी साबुदाना से ढेर सारे पापड़ बन के तैयार है। आप देख सकते हैं ये अच्छे पापड़ बन के तैयार है। अब इसे मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। साबुदाना पापड़ के तेल हमारा फ्राई हो गया, हम फ्राई करेंगे।
आप देख सकते हैं पापड़ बन के पापड़ फ्राई को तैयार है। हम तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ही साबुदाना पापड़ हमने फ्राई किया है, बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने और बहुत ही क्रिस्पी है। हम इसे तोड़ के दिखाते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट फॉर्म में ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।